नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग, आपका अपने यूट्यूब चैनल तिरुमुकुल भारती पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग निरंतर बढ़ते हुए क्रम में देखते जा रहे हैं और फ्रेंड्स आगे हम लोग अब जैसे मगध साम्राज्य देखे थे, उसमें जो उदयन शासक रहते हैं उसके बाद जैसे नागदशक लास्ट रूप में मगध के साम्राज्य शासक बनते हैं ऐसा विवरण मिलता है, तो वहाँ की जनता ने उनको गद्दी से उतार कर एक अमात्य जिसका नाम शिशुनाग रहता है उसको गद्दी पर बैठाते हैं। शिशुनाग को तो शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, एक गद्दी पे बैठता है 412 BC के आसपास और शासन इनका रहता है 394 BC के आसपास तक। फ्रेंड्स, इन्होंने जैसे जो राजधानी रहती है पाटलिपुत्र से परिवर्तित करके कर देते हैं राजधानी वैशाली राजधानी कर देते हैं। और जब ये राजा बनते हैं तो उसमें बनारस के गवर्नर के रूप में थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसको पॉइंट्स ऑफ एग्जाम भी उसे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वैशाली कर देते हैं पाटलिपुत्र से वैशाली और अवंती पर आक्रमण और अवंती और वस दोनों इनके अधिकार क्षेत्र में थे, इनके अधिकार में यानी शिशुनाग के अधिकार में। फ्रेंड्स, इनके शिशुनाग के उत्तराधिकारी बनते हैं कालासो या काकवड़ भी नाम मिलता है, काकवड़। ये शासन करते हैं लगभग 394 BC से 366 BC के आसपास। फ्रेंड्स, इन्होंने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र वैशाली से पाटलिपुत्र, और इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजन हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में। फ्रेंड्स, ऐसा विवरण मिलता है कि हर्षचरित के अनुसार कि कालाशोक की हत्या घूमते हुए छुरा भोग कर महापद्मनंद के द्वारा ऐसा हर्षचरित के अनुसार मिलता है। और बाद में इन्होंने नंद साम्राज्य की स्थापना करते हैं और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के रूप में हमको जो है नंदीवर्धन या पंचमक नाम के व्यक्ति का नाम मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो ये शिशुनाग वंश है ये पॉइंट्स ऑफ एग्जाम भी उसे नहीं है और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है पूछ सकते हैं आप। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स नंद वंश नंद साम्राज्य। फ्रेंड्स, नंद साम्राज्य जो है लगभग 344 BC से 324 BC तक शासन रहता है नंद वंश का।
और हमको जो है नंद साम्राज्य के जो संस्थापक का नाम मिलता है महापद्म नंद। फ्रेंड्स महापद्म नंद जैसा कि ऐसा उल्लेखित हर चरित के अनुसार पाया गया कि इन्होंने जो शिशुनाग वंश के कालाशोक शासक रहते हैं उनकी छुरा भोकर हत्या कर देते हैं, लेकिन एक वहां के लास्ट राजा के रूप में नाम मिलता है पंचमक या नंदीवर्धन। तो उन्होंने लगभग जिसे कालाशोक 366 BC तक किए, तो 366-344 BC ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने शासन किया होगा। और नंद साम्राज्य जो है 344 BC से 324 BC जो जब चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इनकी हत्या करवा देते हैं, अंतिम जो नंद साम्राज्य के राजा रहते हैं घनानंद उनकी हत्या हो जाती है, तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो हम फ्रेंड्स देखते हैं महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है एक शक्तिशाली राजा होते हैं, इनका जो है उपाधि अनेक रहती है। उपाधि जो है उपाधि जैसे इनका सर्व छत्रांग छत्रांग द्वितीय परशुराम द्वितीय परशुराम एक राट महापद आदि इनकी उपाधियां मिलती हैं। द्वितीय परशुराम इनको कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था, क्षत्रियों का विनाश करने के कारण जो है इनको द्वितीय परशुराम कहा गया, क्योंकि जो परशुराम थे उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था, उसीलिए इनको वो परशुराम इनको द्वितीय परशुराम कहा गया। फ्रेंड्स राजधानी जो इनकी थी वो पाटलिपुत्री थी, राजधानी पाटलिपुत्र। और जैन धर्म के पोषक थे। इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो जो है समस्त उत्तर भारत को जीतने वाले साम्राज्य नंद साम्राज्य पहला साम्राज्य था, और मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद मगध साम्राज्य की स्थापना। फ्रेंड्स इनके अंतर्गत जो इनका विस्तार था अवंती कोसल है वंश और कलिंग वंश। कलिंग पर इनकी विजय की जो स्पष्टीकरण है वो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हो जाता है, अभिलेख से हो जाता है, जहां कहा गया है कि उन्होंने कलिंग को जीता और वहां रखी जिनसेन की प्रतिमा उठा लाए, जिनसेन की प्रतिमा उठा लाए लाए। और फ्रेंड्स कलिंग में इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था, कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया। तो फ्रेंड इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने कलिंग विजय किया होगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं, और फ्रेंड जैसे नंद जो साम्राज्य था नंद वंश के नौ राजा हुए जिसके कारण है नौ नंद भी कहा गया। पुराणों में कहा गया है कि महापद्म नंद राजा थे, महापद्म नंद राजा, उनके जो 8 पुत्र थे वही लोग शासन किए, तो इसलिए
पुराण ऐसा कहता है कि महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, और पुराणों में ही कहा गया है कि जो नंद वंश के, नंद साम्राज्य के जो राजा थे, राजा जो है अधार्मिक, अधार्मिक और अर्थ, अधार्मिक और अर्थ रुचि थे, अर्थ रुचि वाले थे। तो ये ऐसा पुराणों में कहा गया है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं जो नंद साम्राज्य था उसका मतलब साम्राज्य के विस्तार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने मतलब नंद साम्राज्य कहा जाता है समुद्र से समुद्र तक, समुद्र से समुद्र तक विस्तारित पहला साम्राज्य, पहला साम्राज्य भारत की, भारत के अर्थ में साम्राज्य जो है नंद साम्राज्य था, नंद साम्राज्य। और फ्रेंड्स इनको समस्त उत्तर भारत का प्रथम विजेता कहा जाता है, समस्त उत्तर भारत का प्रथम विजेता, प्रथम विजेता। और फ्रेंड्स इसे इन्होंने जो नंद वंश के राजा थे, नंद साम्राज्य के, जैन मत के पोषक थे, जैन मत के पोषक थे, मत के पोषक। और जो है परम धनी थे, धन धन काफी था, परम धनी। और फ्रेंड्स जो ए इन ए सेना जो है, सेना साइबेरिया से मंगवाते थे, साइबेरिया से, साइबेरिया से मंगवाते थे, मंगवाते थे। और जो है नंद वंश, नंद साम्राज्य पहला था, नंद साम्राज्य पहला साम्राज्य था, पहला साम्राज्य था जिसने सबसे पहले आहत सिक्कों का, आहत सिक्कों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखे और देख लेते हैं घनानंद के बारे में, जो अंतिम शासक रहता है नंद वंश का। इसके बीच में 6 लोग नाम आता है, जैसे पांडु, गोविशाक, भूतपाल, ऐसे नाम आते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछता है घनानंद के बारे में। घनानंद, घनानंद फ्रेंड्स ये जो है सिकंदर के समकालीन, जिस समय भारत में सिकंदर आक्रमण किए थे उस समय मगध की गति पे घनानंद थे, सिकंदर के समकालीन शासक, कालीन शासक। यूनानी लोग इनको जो है, यूनानी लेखक इनको अग्रमीस कहे हैं, अग्रमीस। और पुराण जो है इनको पुराणों में अग्रसेन कहा गया है, अग्रसेन कहा गया। फ्रेंड्स घनानंद जो है काफी कल लगाया, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इनका वध करा के, वध करा के मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना। ओके फ्रेंड्स हम लोग अब जैसे पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण, विदेशी आक्रमण, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य।
अब आ जाता है यहाँ से मौर्य साम्राज्य। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है ऐसे ही लगातार देखते रहेंगे, ये पॉइंट्स आप एग्जाम की दृष्टि से है। आप जो है आगे आपको कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ओके थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स। जय जय जय।